तो गैस ये है हमारे पास फायरबोल्ट की ओरेकल वॉच। एंड बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था, यहाँ पे जो ब्लूटूथ कॉलिंग है क्या काम करती है, और जो नोटिफिकेशन है कौन सी ऐप से पेयर होती है, क्या नोटिफिकेशन आप ले सकते हो बिना ही इसमें सिम डाले, तो वो हम सब चेक करने वाले हैं। तो चलिए गैस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पे अगर मैं ड्रीम वॉच से डायरेक्टली कंपेयर करूँ इसको, तो ये थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है, नहीं ये थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट होती है, ड्रीम वॉच लेट स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने मिल जाता है। अब यहाँ पे इसमें सिम मैंने आपको दिखाने के लिए सिम मैंने नहीं डाल रखी है, सिम डालोगे तो कॉल वॉल तो लगेगी है ना, वो तो है ही, बट यहाँ पे मैंने सिम इसमें निकाल रखी है। देखो सिम यहाँ पे निकली हुई है। अब यहाँ पे काम करते हैं, चेक करते हैं क्या इसका वो काम करता है, जो मोबाइल असिस्टेंट है वो वाला ऑप्शन। यहाँ पे ब्लूटूथ मैंने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे हम जाते हैं इधर की साइड, इधर से। तो यहाँ पे मोबाइल असिस्टेंट आपको सबसे पहले ढूंढना है, ये रहा। तो मोबाइल असिस्टेंट पे आपको जाना है, यहाँ पे ओपन हो चुका है, कनेक्ट टू द फोन, फाइंड फोन, टेक फोटो और ऐप डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो ऐप डाउनलोड पे करते हैं यहाँ पे। तो ये रही एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है आपको, एप्लीकेशन मैं बताता हूँ। यहाँ पे QR कोड को स्कैन कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये रहा, और ये आपको ले जाएगी डाउनलोड पे। यहाँ पे iOS स्टोर पे भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप दोनों के लिए कर सकते हो। वैसे फिलहाल मैंने सिम इसमें डाल रखा है, तो इसी का ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो गेट पे करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे रेटिंग बहुत ही ख़राब मिली हुई है, देख सकते हो इसको। यहाँ पे ये हो रही है अब, तो यहाँ पे हो चुकी है। ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पूछेगा, यहाँ पे अलाउ कर देना आपको, और यहाँ पे ये सब चीज़ें, निक नेम आपको डाल देना है, जो भी आपका नाम है सेव कर देना, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, ये मेन इंटरफेस है, सपोर्ट का ऑप्शन देखने मिलता है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद यहाँ पे माइन का ऑप्शन देखने मिलता है। डिवाइस में जाते हो तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वॉच में आपको ब्लूटूथ ऑन कर देना है। यहाँ पे ब्लूटूथ ऑफ है, अभी मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे फाइंड डिवाइस पे करते हैं, तो सर्च हो रहा है अभी डिवाइस, ब्लूटूथ नॉट टर्नड ऑन, ओके ये ऑफ है, इसको हम ऑन कर देते हैं। तो ये एंड्रॉयड डिवाइस में तो आप नॉर्मली कर सकते हो, बट iOS डिवाइस में भी चेक करना जरूरी था। सेम प्रोसेस रहेगा, कोई भी एज सच मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, दोनों में ही सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आपका नहीं होता है तो आपको मैनुअली जाके ब्लूटूथ मेन्यू में जाके आपको इसको पेयर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आ चुका है FB203 एंड करके, यहाँ पे टैप करना है। एंड यहाँ पे आपका फ़ोन का आइकन यहाँ पे जलने लगेगा जब ये हो जाएगी कनेक्ट। अब यहाँ पे जल चुका है, देखो तो ये रहा आइकन, और यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, सेम आपको चीज़ें पूछेगा एंड्रॉयड में भी। और सिंक्रोनाइज हो रहा है डाटा, यहाँ पे टैप करना है 20%, ये बैटरी नहीं है बेसिकली, डाटा सिंक्रोनाइज होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये कनेक्टेड यहाँ पे भी आ चुका है ना। तो सिंक्रोनाइज होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड इक्विपमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वॉच प्रॉपरली रिंग कर रही है, देख सकते हो है ना। उसके बाद यहाँ पे रिमोट फोटो का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे इस तरीके से पिक खींच सकते हो, पिक खींच चुकी है, इस तरीके से आप खींच सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है, जैसे कि ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉचेस में काम करता है। कॉल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो, और यहाँ पे SMS नोटिफिकेशन भी आप अलाउ कर सकते हो। अब SMS नोटिफिकेशन और कॉल नोटिफिकेशन आपके जो फोन में आएंगे वो बेसिकली आपको सुनाई देगा, वॉच वाला जो वॉच में आपका सिम पड़ा होगा उसका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन जो है आपका जब नेट ऑन करोगे तब वो रहेगा, बट जो आपके फोन में सिम पड़ा है उसके नोटिफिकेशन A to Z जो भी आने वाले कॉल वाला आने वाली वो सब कुछ यहाँ पे सुनाई देने वाला है। तो एक काम करते हैं, फोन पे कॉल लगा के देखते हैं इस पे, और देखते हैं यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आता है, रिंग करता है, वाइब्रेट करता है, क्या कुछ रहता है वो हम चेक करते हैं। ऐप नोटिफिकेशन यहाँ पे अलाउ कर देना है, ये रहा ऐप नोटिफिकेशन आपको अलाउ करने, देन ओनली सारे के सारे नोटिफिकेशन आएंगे आपके। तो यहाँ पे मैं अलाउ ऑल कर देता हूँ, सेम इंटरफेस आपका एंड्रॉइड में भी रहेगा। और यहाँ पे डन कर दिया हमने, और हार्ट रेट मॉनिटरिंग यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइम सेटिंग चूज कर सकते हो, इसका मैंने चूज़ कर लिया, सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो चुका है सेटअप। तो यहाँ पे सपोज मैं कॉल कर रहा हूँ और इसमें कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो मतलब ये आईफोन के साथ तो कंपेटेबल है ही नहीं, मतलब आईफोन के साथ काम नहीं कर पा रही है ये मोबाइल असिस्टेंट खासकर इसका। तो हम एक काम करते हैं, एंड्रॉयड के साथ भी इसको चेक करते हैं एक बार। तो एंड्रॉयड में आपको यहाँ पे नॉर्मली एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसको आपको डाउनलोड करना है, फायरबोल्ट ओरेकल APK करके। तो ये प्ले स्टोर पर नहीं है, ये यहाँ से मिलेगी आपको एप्लीकेशन, और 37 MB की है बेसिकली ये। सो ये इंस्टॉल हो चुकी है, देख सकते हो, एंड यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइस प्रोसेस सेम वही है, सेम A to Z यहीं पर ही है। रिमोट कैमरा शटर आपका अलाउ करोगे तो आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन पूछ रहा है, यहाँ पे टेक अ पिक पे करते हैं। तो यहाँ पे ये अलाउ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। देखो
यहाँ पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पे अगर हम इसको अलाउ करते हैं तो ये ऑप्शन ही नहीं टिक हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग, तो इसके लिए सेटिंग नहीं हो रही है। तो आपके में अगर ये हो रहा है तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ये काम ही नहीं कर रहा है इसमें, मतलब नोटिफिकेशन वाला भी काम नहीं कर रहा है। तो ये जब तक ऑन नहीं होगा इधर को तब तक इसमें यहाँ पे काम नहीं करेगा, और कॉलिंग पे भी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो फिलहाल ये अपडेट की जरूरत है, कंपनी को अपडेट लेके आने की जरूरत है। फिलहाल यहाँ पे सही से काम नहीं कर रही है, जो ओरेकल वॉच है वो नोटिफिकेशन के साथ काम नहीं कर रही है।